This is Anubha. I'm an architect and also an accessibility consultant. My organization name is Enable the Access, and we work on capacity building for the subject of universal design and accessibility standards. इन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा एक्सेसिबिलिटी ईटी से और एसपीएमए एमबीईएम कर रहा है मास्टर बिल्डिंग इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। अब ये इन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया है जिसके बारे में इन्होंने बताया। तो मैं इनसे पूछ रहा था कि इनका टारगेट ऑडियंस कौन है और जो फ्यूचर जनरेशन है आगे की फ्यूचर आर्किटेक्चर उनको आपके पास आने में क्या मदद मिली। So definitely sir, target audience architecture for the main हमारे target audience है architects, because I am myself an architect and many times हम लोग human centric design और universal design को overlook कर दें, aesthetics की तरफ ज्यादा बात करते हैं। तो architects को और aware करना कि क्यों हमें user needs की तरफ focus करना है, including a child and an elderly person or a person with disability. आगे कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सल डिजाइन एट होल, सो आर टारगेट ऑडियंस एज आई सेड आर्किटेक्ट्स, बट डेफिनेटली जैसे आपने बोला स्टूडेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर इज ऑल्सो वन ऑफ आर मेजर गोल, बिकॉज दे आर दी फ्यूचर पार्टी ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड इफ दे अंडरस्टैंड फ्रॉम द बेस लेवल ऑफ डिजाइन हाउ दे कैन इनकॉर्पोरेट यूनिवर्सल डिजाइन फ्रॉम द बेस व्हेन दे आर लर्निंग अबाउट देयर डिजाइन एंड इंक्लूड दैट इन द फर्स्ट इनिशियल फेजेस ऑफ डिजाइन, सो इट बिकम्स क्वाइट ईजी बिकॉज वी कैन अंडरस्टैंड रेट्रोफिटिंग इज सो डिफिकल्ट व्हेन द बिल्डिंग इज बिल्ट। मैं मुझे एक चीज बताओ, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में जो लोग इन्वॉल्व रहते हो आर्किटेक्ट्स और प्लानर्स नहीं रहते, वो या तो आईएएस ऑफिसर रहते हैं या पॉलिटिशियन रहते हैं। तो आपने जिस यंग जनरेशन को टारगेट किया आप उनके लिए काम कर रहे हो, बता रहे हो कि भाई आप उस तरीके का डिसेबल्ड फ्रेंड काम करो, उस तरीके की चीजें काम करो, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन एक आईएएस ऑफिसर ने लेना है जो बीए पास करके बैठा है या बी कॉम पास करके बैठा है, उसके बाद उसने 36 तरीके से नाम दे दिए, वो समझ नहीं है ना तो काउंटर नहीं की समझ आ रही है, वर्ड और काम कर जो जिस लेवल की नॉलेज ये बैठे स्कूल की नॉलेज भाई बच्चे होंगे क्वालिफिकेशन आपके जो है बाबू को तो समय नहीं है, मतलब उनको बाबू ही बोलते हैं, आईएएस ऑफिसर हो थर्ड सेकेंडरी हो वाटर सेकेंडरी हो, टेक्निकली वो बाबू ही क्योंकि बाबू से ऊपर वो नहीं सोचते हैं और हर चीज में वो सोचते हैं इसमें कितना पैसा खर्च होगा, कितना पैसा बचेगा, कितना पैसा होगा, कितना बचेगा। ऐसे एनवायरमेंट में आपको लगता है कि जो आप कोशिश कर रहे हो डेफिनेटली, सो जैसा आपने बोला टारगेट ऑडियंस जो आप ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहे हैं और जो हाई अथॉरिटी और डिसीजन मेकर्स हैं हमारे, सो फर्स्टली हम लोग कोशिश ये रहती है कि हम अगेन डिसेबल्ड फ्रेंडली पे फोकस ना करके उसको यूनिवर्सल डिजाइन कॉन्सेप्ट के बारे में लोगों को अवेयर करें, बिकॉज दैट इज अ नीड ऑफ यू माइंड मी एंड मे बी हिम एंड एवरीबडी एल्स इन आवर सराउंडिंग, बिकॉज फॉर अ प्रेग्नेंट लेडी और समबडी हु इज गेटिंग ओल्ड एवरीबडी नीड्स एक्सेसिबिलिटी, सो वी फर्स्टली एडवोकेट अबाउट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑल द यूजर्स इन द एनवायरमेंट इंक्लूडिंग द पर्सन वी आर टॉकिंग टू, सो दैट इज द बेस वेयर वी स्टार्ट सेंसिटाइजिंग द पर्सन and then later on when it comes to getting into the finances or the law and the rights, then also we have to make them aware about the laws that exist in our country, because our national building code has such a descriptive standards about accessibilities but they are often overlooked. Then we have our rights of persons with disabilities act, under which we have harmonized guidelines and space standards, and if we from these standards, now it's a mandate that every public building is supported. ये सारी बातचीत भी हमारे वीडियो में जाएगी। मैम आ जाओ, मीडिया से जानकारी बना रहे हो जाओ। ये दीपिका मैम भी है हमारे साथ, इनके सोच
में से आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस कराना चाहता था, तो ये इंटरव्यू ले रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने कहा पूछ लूँ बिटिया क्या कर रहे हैं, दो चार चीज सीख लेंगे। नहीं, मेरे को बड़ी खुशी हुई है। मैं तो अच्छा होता है कि हम लोगों ने तो कुछ करा नहीं, और ये यंग बच्चे तो अच्छा काम कर रहे हैं। क्यों बिल्कुल, that is why I had a really impressed by this lady. I came in contact with her only 2 days back. So what do you do? So ma'am, we are working on accessibility. So we do focus on capacity building of architects and other stakeholders as well on understanding what the universal design and accessibility standards. So first sensitizing them to the space of via user needs, features, accessibility, and how it can be incorporated into designs and from the early stages, and also when it comes to retrofitting. So we also do train the accessibility auditors who are there in our country on how to make the spaces accessible and what are the retrofitting solutions as well for the existing infrastructure. So that is our main goal, to reach, to have this knowledge. So basically, to barrier free or something. Right. We are now focused on universal design approach, where every user has an accessibility need. So not just talking about the disabled people, but a larger set of users. Remember, you very free, you know. Right. Yes. मैम को ये कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग में आर्टिस्ट और प्लानर से भी याद ही नहीं, वो सब कुछ आइए सोचा करते हैं। वो तो कहते हैं क्रैम कैम में भी अगर आपको पैसे ज्यादा खर्चा होगा तो नहीं लेंगे। पूरा नमस्कार, सो आई मीन यू आर ट्राइंग।